जोन साहब नमस्कार। मेरा नाम अमरीश कुमार त्यागी है, मैं एचपीएम केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी की तरफ से हूँ। साथ में आज हमारे ऑफिसर्स भी हैं, शिवकुमार जी जो अलीगढ़ टेरिटरी को देखते हैं। तो मुझे आपके यहाँ पे जो लेके आए हैं, हमारे यहाँ पे खैर में जो प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं मिस्टर संदीप कुमार, उन्होंने बताया कि आप जो है धान की खेती काफी समय से करते आ रहे हैं, काफी बड़े एरिया में धान करते हैं। तो पहले मैं कोई आपको बात आपसे जानकारी लूं, आपका संक्षिप्त में परिचय चाहूंगा। जी दर्शन कुमार मेरा नाम है जी, पिताजी का नाम केदार सिंह जी, मेरा गांव नारायणपुर है जी, अच्छा जी जी जी। तो ये जो मैं आपका धान देख रहा हूँ, आप कितने एकड़ में धान इस बार लगा रहे हैं? छह एकड़ में आप धान की खेती कर रहे हैं। तो इसके लिए जैसे इसमें पानी भरा, ये धान आपने कब लगाया था? ये कल लगाया था। इसमें आप दवाई लगा दी घास वाली? अब लगाऊंगा। अच्छा, दवाई उसके लिए लिया है? कहाँ है दवाई? अरे अच्छा, ये दवाई लाए हो? अरे ये तो ये मेरी कंपनी की दवाई है, ये जो आप हाईफिट देख रहे हैं ये मेरी कंपनी की दवाई है। और ये तो आपको मालूम होगा कि ये एक एकड़ में जो है आधा लीटर लगती है। आप इसको लगाइए, आधा लीटर दवाई आपको एक एकड़ के लिए लेनी है। उसमें आप इसको बालू रेता में मिला के भी डाल सकते हैं, और टंकी से इसके आप स्प्रे भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी आगे बात आती है कि जिस टाइम आपका ये पौधा धान का ये जो खड़ा हुआ है आप लोग देख रहे हैं, जिस टाइम ये आपका जड़ पकड़ जाए और लगभग ये स्थिति होती है 10-15 दिन की, उस टाइम पे मेरी कंपनी का एक एचपीएम गोल्ड आता है, वो बायो फर्टिलाइजर है। और जो है उसका जो मुख्य काम है वो जड़ों का विकास करना, पौधे में ट्रेलिंग करना यानी कि फुटाव लाना, और जो है पौधे को शुरू से लेके आखिर तक हरा भरा रखेगा, और आपकी धान की पैदावार तो इतनी निकलेगी उसका कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको जो एचपीएम गोल्ड की मात्रा रखनी है वो एक एकड़ खेत में 4 किलो रखनी है। उसे आप किसी भी खाद के साथ मिला के बिखेर दो, और पीछे से धान की फसल में पानी रहता ही है, फिर आप देखना आपकी धान की फसल कैसी होती है, ठीक है।